I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरा देख रहे हैं जैन भाई। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन भाई जी भाई, बहुत एक माशाल्लाह ब्यूटी है आपके कलेक्शन में। ये है, इसका नाम क्या है? वैसे बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका। इसका नाम रखे हम लोग बेंटन। क्यों ऐसा जैन भाई बेंटन? हुआ क्या, जब ये आया ना तो इसका नाम पहले जेरी रखे थे। जेरी, लेकिन जेरी कैसा था, बेंटन में बहुत कॉमन था, तो फिर बेंटन बेंटम ऐसा राइम हो रहा था तो वही हिसाब से बेंटन रख दिया। थोड़ा यूनिक भी हो गया नाम। हाँ, यूनिक भी है माशाल्लाह, है ना। और इसकी दाढ़ी वगैरह भी देख सकते हैं, मतलब ये उतने इसमें है, इसको मेंटेन कैसे किए बाल को, क्योंकि बाल अक्सर देखने मिलता है बेंटम के नहीं रहते। हाँ, तो पे बफ वगैरह इसका ऐसा है ना भाई के जब भी इसकी जो जगह है अंदर वो अच्छा। तो जगह ही अलग है, मतलब ऐसा जमीन पे नहीं है, थोड़ा हाइट पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो ये बकरा उस पे रखते हैं माशाल्लाह। और कहते हैं वहाँ पे और कोई बकरा है नहीं, ये अकेला ही है, तो ये ज्यादा गंदगी भी नहीं करता है और खुद साफ भी रखता है, और हम लोग भी होता है तो हफ्ता 15 दिन में एक बार इसको मिला देते हैं हम लोग। इसका हेयर कट भी वैसे ही किए थे क्या जो इतना? नहीं, असल में इसका हेयर कट किए ही नहीं अभी तक। अभी तक नहीं किया, तो इसने ऐसी बाल नेचुरली निकाला है। अभी इसका करेंगे इंशाल्लाह बकरा इस बाद हेयर कट। अच्छा, मतलब ये अभी 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 फिलहाल नॉर्मल है, कोई हेयर कट नहीं है, मतलब जैसा पहले जिनके पास था उनने कराए होंगे, तो अपन ने नहीं कराया अभी तक। वैसे जैन भाई, इतने कलेक्शन में बड़े साने इनका शौक करते हो, बेंटम कहाँ से? मैंने ना एक असल में एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। हाँ। तो उसमें ना एक जिंक वगैरह था। अच्छा, मेरे को जिंक चाहिए था, तो जिंक तो नहीं मिला फिलहाल, और जिंक है ना मेंटेन करने के लिए थोड़े एंटी हो रहा है, तो अपने एक दोस्त है वो भाई ने ही दिखाया मेरे को। अच्छा, दानिश भाई है बैंड्रा के। हाँ हाँ। तो उनके पास था और मेरे को दिखाए द बकरे बाद मीम्स ने। अच्छा, तो हम लोग गए थे और ये बहुत पसंद आ गया, तो तभी माशाल्लाह सामने से एक बार बाल तुम शेयर कैसे बाल है सामने? पूरे जो बाल ये आप, और आप बोल रहे हो कि हेयर कट वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया अभी फिलहाल, अभी छोड़ूंगा ना, जब मार देगा। छोड़ो छोड़ो, नीचे छोड़ो, जब। अरे वाह, ये वैसे मतलब प्योर बेंटम में आया कि कुछ? ये लिलीपुट में है। ये नहीं नहीं नहीं, नहीं जिंग विंग में नहीं है, बेंटम ही है, लिलीपुट है ये। शॉर्ट साइज के जैसा रहते हैं ना बेंटम में, कैसे एक रहते जो थोड़े बड़े रहते और एक थोड़े से कॉम्पैक्ट फ्रेम के रहते, तो कॉम्पैक्ट के है। पैर वगैरह भी कितने छोटे है, एकदम छोटे पाव का है, छोटे से चेहरे का है माशाल्लाह। फेस भी बहुत छोटा है इसका, इतना और अभी आठ दांत किया है इसमें, छोटा लगेगा लेकिन ये आठ दांत का है, और अभी अभी आठ दांत किया है इंशाल्लाह, अगले साल इसको और अच्छे से। इसके बाल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बफ वगैरह सब। तो इसके अभी मतलब कुछ ब्रीड वगैरह लियो? नहीं, अभी नहीं लिया हूँ, सोचा हूँ बकरा इस बार एक बकरी लूँ बेंटन फीमेल, और इसके लिए मतलब लोड करेंगे इससे। वैसे आपके कलेक्शन में जैन भाई ऐसे कोई बकरे जैसे थैनोस हो गया, इतना बड़ा बकरा है? हाँ। तो कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया इसकी ब्रीड लेके रखना चाहिए? आया है, लेकिन असल में कैसा है भाई, मेरे पास बकरे रखने की जगह नहीं है, मतलब पब्लिक को मालूम है जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि मेरे कभी थोड़ा नीचे, हम लोग नीचे लो हो जाते दो साइड में, इधर आ जाए फिर मजा नहीं आएगी, वो बकरा छूट जा रहा है। बैठ जाओ मैं नीचे। हाँ बैठ जाओ, चलेगा, मैं भी नीचे हो जाता हूँ थोड़ा, एकदम सेटल हो गया, बैठ जाओ। हाँ, अरे अरे यार, ऐसा मत बैठो यार। हाँ। ये माशाल्लाह मोहब्बत है बकरों की। हाँ जैन भाई। हाँ भाई, ये बकरे अभी है तो ठीक है यार, इन लोग के लिए इतना तो करना पड़ता है अपने को। तो क्या हुआ, इसे मेरी जगह है ना, अब सबको मालूम है मेरे पास एक स्टेबल जगह नहीं है, कभी मेरे बकरे इधर टाउन में रहते, कभी मुमरा में रहते, बराबर। तो अभी कैसे उसमें बकरी लेके फिर वो लोड है, घाबन है, उसकी जगह मिले नहीं मिले वो भी परेशान। तो अभी फिलहाल मैं सोचा तो हूँ बहुत बार, लेकिन मेरे पास जगह नहीं होने की वजह से ले नहीं सका। तो इस बात का कुछ इरादा है ऐसा? इस बात का इरादा है बेंटम बकरी का, उसका ऐसा है बेंटम भी इसके लिए
कि कभी मेरे अगर बड़े बकरे भी हटे, बेंटम बकरी कितनी ही जगह लेगी उसके लिए जगह तो मिल जाएगी अपने। तो वैसे जगह ऐसा मिल क्यों नहीं रही आपको, क्या ढूंढने नहीं ऐसा? जगह मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ क्योंकि कैसा होता है अभी फिलहाल मैं जो हिसाब से कर रहा हूँ ना, देखो बकरा पालना एक एक्सपेंसिव शौक है बहुत, लेकिन अब कैसा है उसमें अगर मेरी जगह रहेगी खुद की तो भी मेरे को आदमी भी लगेगा राइट। और अभी फिलहाल मेरे को नहीं जरूरत है और मैं इतना कैपेबल हूँ नहीं कि मैं इतना सब पैसे वाइज नहीं लेकिन दिमाग वाइज कि मैं इतना सब संभाल सकूँ। अभी अब कहते हैं मेरे 6-8 बकरे हैं ना वही मैं संभाल लेता हूँ अच्छे से, सोचा हूँ एक फार्म का करेंगे तो इंशाल्लाह फार्म करेंगे छोटी मोटी जगह लेके नहीं, लेकिन उसमें फार्म में सिर्फ अपने कलेक्शन नहीं। हाँ अपने मतलब मेरा पूरा अगर ऐसा प्लान देखे ना तो मेरा प्लान ये है कि खुद की जगह रहेगी अपने बकरे रहेंगे उसमें, खाली बकरे नहीं रहेंगे उसमें बिल्ली भी रहेगी कुत्ते भी रहेंगे बर्ड्स वर्ड सब मतलब कहते हैं ब्रीडिंग सेटअप भी रहेगा फिर। हाँ और उसमें कहते हैं एक छोटा सा शेड रहेगा 50-60 बकरे का जिसमें पलाई भी होगी और ऐसा सब प्लान है। तो मतलब जैन भाई जैसे अभी ये एग्जॉटिक कलेक्शन छोड़ करके आपके मतलब और कौन सा आपको और कौन सा ब्रीड जो है मतलब ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है? एग्जॉटिक ही लगती है कुर्बानी के टाइम पे अक्सर देखा जाता है आप सोजत परचेज करते हैं। हाँ कुर्बानी के टाइम घर की कुर्बानी के लिए तो ऐसा है कि ये सब है जो घर की कुर्बानी के नहीं है, इसमें से कैसे एज हो जाती है जब बहुत टाइम हो जाता है तब अपन कुर्बानी करते हैं घर में। इसको हटाओ ना टकले को और होवे तो बोर को भी हटा दो यार ये थोड़ा चुप बैठेगा। बोर को हटा लो ये बोर को हटा लो। हाँ 10 मिनट खाली हटा लो ना इसको ये थोड़ा शांत हो जाएगा इधर। वैसे जैन भाई जैसे अभी आप बात कर रहे हो कि ये सब एज होने के बाद में तो फिर ये मतलब उतने रहते हैं वेट गेन में जब 8 दांत के बाद में? हाँ हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है 8 दांत के बाद है ना भाई ऐसा पब्लिक को लगता है। जैन भाई हम लोग बात कर रहे थे कि एज होने के बाद में उतना वेट गेन कैपेबल होते हैं? हाँ भाई ऐसा एज का कुछ भी मसला नहीं है, बकरा 8 दांत पे जब होता है ना तो कैसा रहता है जैसा अपन 30-35 की उम्र रहती है ना तो वैसा 8 दांत फ्रेश जो होता है हाँ ये उतना होता है। उसके बाद अभी जैसे थैनोस है अपना माशाल्लाह 2019 में लिया था मैंने उसको 8 दांत पे था वो। अच्छा 2019 में आपने खुद परचेज किया? और अभी देखो 2022 है अभी भी अपना माशाल्लाह बच्चा अच्छा अभी माशाल्लाह भी वो अपने रुबाब पे आया। अभी भी बाकी है मेरा टारगेट कुछ और है अभी तक आया नहीं है लेकिन पहले से अच्छा बोल सकते हैं पहले से अच्छा हो गया माशाल्लाह। तो ये था बेंटन ये बिक भी गया था अच्छा लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ भाई जब इसको लोड करने के लिए मैं लेके गया ना मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इसको तो कैंसिल हो गया कैंसिल कर दिया। तो वैसे जन्म इतने अच्छे कलेक्शन ले लेते हो फिर बेचने का मूड बनता है फिर कैंसिल हो जाता है? क्या होता है ना वो जो पूरा टाइम रहता है ना जैसे पहले एक फेज आता है जब बकरा ढूंढते हैं तो अभी उसमें अपने को मालूम नहीं अपने को क्या मिलेगा फिर एक बकरा कोई लॉट में से या झूठ में से पसंद आता है जैसे उसको पसंद करना ला के सेट करना खिलाना पिलाना और माशाल्लाह देखो ना अभी तैयार करना ये है ना 4 दांत पे आया था अपने पास लेकिन माशाल्लाह 8 दांत फ्रेश किया है माशाल्लाह बड़ा शेर के हिसाब से बाल वगैरह है विदाउट हेयर कट। इंशाल्लाह इस इन फ्यूचर इसके और ग्रोथ देखेंगे बफ वगैरह जब इसके सामने के बढ़ेंगे ना तब देखने लायक पहले तो था भी नहीं जब लाए थे ना बफ था कम था अभी और अच्छा हो गया अभी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है अगले साल और अच्छा करेगा ये और अच्छा। जैन भाई माशाल्लाह इसके बफ वगैरह आप बोल रहे हो अगले साल तक देखेंगे? हाँ इंशाल्लाह अगले साल तक और बढ़ाएगा इंशाल्लाह और देखना अगले साल तक टारगेट दाढ़ी वाड़ी को अच्छी करे ना भाई यहाँ तक मजा आ जाएगी मतलब 1 पीस हो जाएगा ये 1 पीस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक्सपेक्ट करेंगे जो सामने के बाल है ना वो भी बढ़ाए वो बढ़ाएगा तो और बढ़ाएगा ना वो भी इंशाल्लाह बढ़ाएगा इंशाल्लाह। 2 मिनट तो जैन भाई हम लोग यहाँ तक वीडियो रखते हैं शौक दिखाओ तो उसको एक बार देखो माशाल्लाह कैसा बेची खूबसूरत है भाई मन ही नहीं होता मेरा देने का माशाल्लाह लेकिन उतना ही अग्रेसिव भी है। हाँ अग्रेसिव है लेकिन छोटा सा मस्ती करता है खाली। हाँ मस्ती करता है ये देखो अभी भागने पे लगा हुआ इधर अंदर जाने के इसमें जगह पे जाने के लिए उतावला हो रहा है ये भाई। वैसे ही है सभी लोग कहते अंदर रहते हैं ना इसकी जगह भी दिखा दो यहाँ से ये देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ ये देखो ये जो आम जनता है ना ये सब नीचे और ये जो अपना है ना ऊपर की जगह दिख रही है खाली वो उसकी जगह है तक तो बैठता है जब से आया उधर ही बैठा सब पे नजर रखता है तो इसके लिए गंदा वीडियो था मेंटेन भी सरपंच हो सरपंच हाँ बोल सकते हैं ऐसा ही छोटा सरपंच है।
तो जैन भाई वीडियो को यहाँ तक रखते हैं हम लोग, इंशाल्लाह आगे चल के जो सीरीज आएगी आपकी बहुत एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी लेवल तक मैं बना पाऊँ इंशाल्लाह, जैसा आपने सोचे वैसा बन पाए और इंशाल्लाह सब बकरे दिखाएंगे लोगों को। ये बार ऐसा प्लान है कि ऑलमोस्ट जितने हैं ना सभी दिखा देना, मतलब जो बच्चे भी रखा हूँ ना, एक दो बच्चे भी है वो भी, और जो बड़े शौक कराएंगे एग्जॉटिक का शौक कराएंगे और एक कुत्ता भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़।